हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आगे है आज का अपना गेम प्ले, जो कि है वाइट आउट सर्वाइवल का डे 3। डे 3 हमारा SPS का चल रहा है। कुछ न्यू इवेंट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। पहले तो कलेक्ट कर लेते हैं लास्ट टाइम अरीना खेलना हम फिर से भूल गए हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन की पेंशन लेने, खैर है, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो ये हम रहे हैं, हम नंबर 1 पे थे, तो हमें 1500 मुझे डायमंड्स मिले हैं। फ़ायदा होता है ना, फ़ायदा होता है नंबर 1 में रहने का। तो ये हमारे हैं टोटल आज के मिशंस, जो मैं आपको देख के बता देता हूँ। डे 3 बीस्ट स्ले गाइस। वैसे तो टेक्निकली इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल बीस्ट को मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ और मारते जाओ, पॉइंट आपको मिलते जाएंगे। तो ये वाला सीन है। लेकिन मैं लकी व्हील खेलूँगा, क्योंकि इसके भी पॉइंट हम अगर इसको खेलेंगे तो ऐड होंगे। तो डे 2 में आप लोगों को कुछ कॉइन्स मिले होंगे लकी व्हील के, उसको यूज़ करो आराम से। मैंने इतना मार्जिन रखा था कि मैं 35 स्पिन खेल पाऊँ, तो मैं डायमंड्स भी यूज़ करूँगा और 35 स्पिन खेल के ब्रैडली के शॉट्स लूँगा और छोड़ दूँगा। ये तो था मेरा एक सीन। किस्मत गाइस इस दफ़ा लकी व्हील में बहुत घटिया रही है, मतलब मेरे पे अल्फाज नहीं है। आप लोगों की किस्मत, काफ़ी भाइयों की किस्मत अच्छी रही है, पर मेरी किस्मत बहुत बुरी है इस दफ़ा। तो गाइस स्पीड अप्स ले रहे हैं भाई, स्पीड अप्स मुझे नहीं चाहिए, स्पीड अप्स नहीं चाहिए मुझे भाई। मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑलरेडी स्पीड अप्स होते हैं, तो इसका कोई फंडा नहीं है। मैं सिर्फ 35 तक खेलूँगा और उसके बाद मैं चुप करके अपने जो शॉट्स हैं ब्रैडली के वो ले लूँगा। और हमारा आज ही आखिरी दिन है जहाँ हम हीरो शॉट्स यूज़ कर सकते हैं। गाइस हम तो जीत रहे हैं, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है इतनी, हम इजीली जीत जाएंगे। इसलिए मैं तो बस रिक्वायर्ड शॉट्स को यूज़ करूँगा। आप लोग देख लेना भाई, बीस्ट ले है, बीस्ट को भी मारते रहो। मैं भी आपके सामने मार के दिखा देता हूँ भाई, कुछ भी ऐसा है वो मैं आपके लिए मतलब नहीं छोड़ सकता। फ्लेम्स एंड फैंग्स वाला इवेंट ख़त्म हो गया है। जो जो जिसके पास क्रिस्टल पड़े हुए हैं उसको आज यूज़ कर लो, आज ही यूज़ कर सकते हो, नहीं तो वो भी यूज़ नहीं कर पाओगे। आज ले लो जो जो आपको लेना है। एक तो यार नींद ने बुरा हाल किया हुआ है, कोई बात नहीं, खैर नींद आ जाती होती है, इंसानों को आती है। तो गाइस ये मैं 20 ले में, तो पहले मैं अपना ये लेवल 7 अपने प्रो स्केल चैमिलियन को मार लूँ, पॉइंट्स ले लूँ। मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं भाई, 20 को भी मार के मिलता है, पोलर टेरर को भी मार के पॉइंट्स मिलते हैं। और गाइस रिकमेंडेशन है मेरी, इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने थंबनेल लिख लिया हुआ, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट आ गया है। जिस जिस भाई के पास शार्ड्स पड़े हैं, क्योंकि अभी लकी व्हील सब ने खेला, सबके पास शार्ड्स होंगे, आज ही आप लोग शार्ड्स को यूज़ कर सकते हो, आज ही काउंट होंगे SPS प्रिपरेशन फेज में। बाकी अगले 2 दिन हैं, वहाँ शार्ड्स बचा के रखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें पॉइंट नहीं मिलेंगे। जब पॉइंट नहीं मिलेंगे तो उसको यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है। तो आज यूज़ कर दो जितने भी आपने यूज़ करने का सोचा हुआ है, अपनी प्रिपरेशन फेज को देखते हुए कि आप जीत रहे हो या हार रहे हो, ये मैटर करता है। अगर ये आप लोगों को पता है कि आप जीत रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ना यूज़ करना। और अगर तुम्हें पता है कि तुम हार रहे हो तो भाई आज ही अपने शॉट्स को यूज़ कर लो, एपिक लेजेंडरी और रेयर। रेयर वाले हैं वो तो आपको पता ही है कौन से होते हैं, एपिक वाले पिंक वाले जो हैं, और जो लेजेंडरी हैं वो हैं आपके प्रीमियम हीरोज। रिसेंटली न्यू जनरेशन इंट्रोड्यूस हुई है, तो मैं अपने सारे एडिट को भी मैं करने लगा हूँ 3 स्टार। गाइस मैं आपको एक और बात बता दूँ, इम्पोर्टेंट है, जो भी न्यू हीरो लेते हो आप उसको 3 स्टार पे मस्ट ले के आया करो, उसकी स्किल्स लेवल 4 की अनलॉक मस्ट किया करो, उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है अगर आप लोग ऐसा करते हो। अगर ऐसा नहीं करते, इन केस अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो न्यू हीरोज़ का मतलब ही ख़त्म हो जाता है। और मेरे पास बुक्स भी कम पड़ गई हैं, बुक्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। बुक्स स्किल्स की समझ लो
एक बहुत बड़ी ज़रूरत है स्किल को, अगर हमें अपग्रेड करना है तो उसके लिए बुक्स लगेंगी, तो बुक्स को भी ध्यान से यूज़ किया करो, देख लिया करो कि कौन से हीरो पे यूज़ करनी है, पुराने हीरो पे यूज़ मत किया करो, नए हीरोज़ पे यूज़ करो, क्योंकि नए हीरोज़ बफ्ड हीरोज़ होते हैं, उनका फ़ायदा ज़्यादा होता है, वो मतलब आप अगर यूज़ करते हो तो आपको अच्छा खासा प्लस बेनिफिट देते हैं, क्योंकि न्यू हीरोज़ का मतलब है कि पहले वाले से स्ट्रॉन्ग हीरोज़ आए होते हैं। ये लेवल 7 चमिलियन को मारो यार, पॉइंट्स लो, ताकि मैं आपको दिखा सकूं आज के अपने पॉइंट्स भी, और मैंने आपके सामने अपने शार्ट्स को भी यूज़ किया, लेकिन लेजेंडरी शार्ट्स को यूज़ किया मैंने, मैंने किसी और शार्ट को यूज़ नहीं किया, हालांकि मेरे पास और शार्ट्स भी पड़े हैं। इनको यूज़ करने का इसलिए मैंने किया है क्योंकि न्यू हीरोज़ थे, मैंने 3 स्टार पे लेके आने ही आने थे, तो मैंने कहा भाइयों के सामने करूँगा जो करूँगा, वैसे हम कुछ नहीं करते, हमें कुछ करना आता ही नहीं है भाइयों से हटके। तो ये देख लो, डेली के मिशंस भी साथ साथ मैं करता जा रहा हूँ, जब तक मेरे वो मार्चिस जाके लेवल 7 पोलर टेरर को नहीं मारते। अब ये पोलर टेरर कहना आसान है, मतलब फ्रॉस्ट केल चमेलियन, कौन कहे यार, ये कौन कौन कहे, हमसे तो ना हो पाएगा भाई। तो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट मी, इट विल मेक माय डे, प्लीज़ मेक माय डे, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। ये देखो, दूसरी भी चमेलियन, कहानी तेरी ख़त्म होने वाली है भाई। ये आगे से अपनी पूछल मारती है बिजली वाली, ये है क्या, ज़रा कमेंट करके तो बताना मुझे, ये आखिर है क्या चमेलियन। ये हमने पेल दिया है चमिलियन को, और मेरे मिशंस सारे हो गए हैं, मैं 90 पोजीशन पे आ चुका हूँ, 800K मेरे पॉइंट्स हो चुके हैं, मतलब हम, मैं ये करता भी ना तो भी चल जाना था, हम एज अ स्टेट विन कर रहे हैं, हम एज अ स्टेट विन कर रहे हैं, एज अ स्टेट हम ग्रो करते हैं। और प्रिपरेशन फेज में, प्रिपरेशन फेज अगर जीत गए तो समझ जाओ तुम अपना कैसल जीत गए, बैटल होगी एनिमी कैसल में, एनिमी की स्टेट में जाके वो डिफेंड करेगा, आप अगर हार भी गए तो आपका कैसल आपके पास होगा, तो वो विन विन कंडीशन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई SVS बहुत इम्पोर्टेंट है, SVS को मिस मत किया करो, ख़ास तौर पे प्रिपरेशन फेज़ में हर चीज़ संभाल के रखा करो, और आपका भाई आपको हर एक चीज़ बताएगा। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है शेयर करना है भाई के चैनल को, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और कुछ समझ नहीं आती तो कमेंट करके बताना, आपका भाई यहाँ बैठा हुआ है आपको बताने के लिए। और भाई साहब, अपनी SVS का ज़रा मुझे रिज़ल्ट बताते जाना, विद पॉइंट नंबर्स, कि कौन कितने लीड में जा रहा है। हम तो जा रहे हैं भाई 600 मिलियन की लीड में, आपके सामने ही है, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप कितनी लीड पे जा रहे हो, अपनी स्टेट में जीत रहे हो या हार रहे हो। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले गेम में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गेमिंग फन जोन, अल्लाह हाफिज़।